तो योगा मैट का इस्तेमाल चालू, पैसा वसूल। कु बाबू सो बाबू के जो दोस्त है और मेरे राखी भाई है डिक्के भाई, उन वो काम करते हैं बूट की कंपनी में जहाँ ओरिजिनल बूट के एयरपोर्ट्स मिलते हैं जो मैंने बाबू के लिए मंगवाए थे उनसे, क्योंकि बाबू को बहुत टाइम से ये लेना था। ये काफ़ी अच्छा है, इसका साउंड भी बहुत अच्छा है, एंड वैसे भी बाबू का बर्थडे मंथ चल रहा है तो मुझे उनके लिए कुछ ना कुछ स्टिकर्स मंगाना ही आएगा था। इसके साथ में। दिस इज ओरिजिनल एयरपोर्ट्स, जिसको छूने से और जोर से बंद करने से भी किसी का मुंह उतर है। इतना शौक है इनको सब चीज का। चलो अब आपका जो पार्सल आया उसको खोलिए, पूरा महीने गिफ्ट मिलेगा लग रहा है तुम्हारे को। वैसे गाइस ये परफ्यूम मैंने ऑर्डर नहीं किया है, ये उन्होंने खुद मंगाया है, क्योंकि परफ्यूम मैं गिफ्ट नहीं करती हूँ। मतलब सुनी हूँ बहुत लोगों से, बड़े लोग से भी और ऐसे भी जनरली, कि परफ्यूम गिफ्ट नहीं करना चाहिए, परफ्यूम गिफ्ट करने से झगड़ा होता है अपने पार्टनर को या किसी को भी, और खुशबू गिफ्ट नहीं करने से झगड़े होते हैं। और बोलते हैं ना, अच्छी दोस्ती तो दोस्ती खराब हो जाती है, अच्छा रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप खराब हो जाता है, ऐसा सुनी हूँ मैं। मिथ है कि क्या है नहीं पता, बट भाई रिस्क क्यों लेना, काय के लिए ऐसे ही कम झगड़ते हैं कई आदमी मेरे से। तो इन्होंने खुद ऑर्डर किया था जो आगे, लेकिन इसके पैसे मैंने दे दिए तो ये मेरी तरफ से हो गया गिफ्ट वापस, तो मेरा पैसा। गिफ्ट खोलने का, पार्सल खोलने का इस आदमी को इतना शौक है, जैसी कुछ पार्सल आया सब काम धाम छोड़ के पहले पार्सल खुलता। दिखाओ जरा कैसा आया है, ये क्या कचरा दे दिए? अच्छा सॉरी, आई आई ओके। वाओ, ये सैंपल्स है ना चार अलग अलग, तो गाइज आपको हम खोल के दिखाते हैं फ्लेवर। खाने का तोड़िए। तो 649 गाइज, मेरा पति टावेल पे तो जज मत करिएगा, वो ड्यूटी से आए हैं तो। वाओ, शाहरुख खान ऐड करता, शाहरुख खान। हाँ तब तो सिर्फ शाहरुख खान के नाम से ले लिए इसको। है इधर देखो, थंबनेल के लिए फोटो भी तो चाहिए। सो गाइस, दिखने में तो पैकेजिंग तो बहुत अच्छी है। ये है कौन कौन सा है फ्लेवर और कौन कौन से इसमें खुशबू है, कैसा कैसा बना है, उसकी क्वालिटीज लिखी हुई है जो कैमरे में नहीं दिखेगी, अलग से पढ़ना पड़ेगा, हल्के फेंक देता है। अब ये खुद मंगाए ना तो इनको एकदम वाह, एकदम अच्छा है, दिखाओ। अच्छा तो है, सर में चढ़ रहा है लेकिन ये मेरे ब्लैक वाला। कैसा ये वाला, ये मोगरा, मोगरा टाइप। हाँ मोगरा, ब्लैक वाला तो नहीं लगा सकती मैं, सॉरी। दो ठो है क्या ब्लैक? अलग अलग होगा ना, नाम चेक कर लेंगे। नहीं जी, वो डार्क ब्लू है। अलग। कुछ भी बोलो, डब्बा अच्छा है, ये मेरे को दे देना। कुछ भी बोलो लेकिन फॉग की बात अलग है। अच्छा है ये, हाँ ये अच्छा लग रहा है, और ये कहीं शादी वादी में जाओ तो लगा के जाओ, मजा आ जाएगा। किसी को गिफ्ट करना है तो भी अच्छा है। और बाप रे, लड़ाई करके आ गया, खड्डा करके आ रहा है बेटा। कौन मारा?
कौन मार दिया? किसको मारा? मैंने कैसे मारा? मारा। भैया तो मारता नहीं है आपको? मारता है। अरे बाप रे, भैया मार देता है? हाँ। ओहो, आप तो लेट में आए ना, सोना बिल बिल है, पैसा पटा देना है, पैसा पटा देना। ओके हाँ। बोलो इतना महंगा? हाँ सोना बोलो, इतना महंगा कौन लेता है? अरे अपने मुंह में अभी। थैंक यू थैंक यू, उल्टा बोल के जाती। बच्चे से बाल मजदूरी करवाते हो, शर्म नहीं आती? कहाँ चले गए? मजदूरी कराते हो, शर्म नहीं आती? नहीं। अरे बाप रे, गाइस केस करो इस आदमी को। बोरे सवेरे हमारे कॉलोनी में बंदर, ये देखो 3-4 तो बैठा हुआ है यहाँ पे। पूरे कपड़े यहाँ बाप बेटी लेके आए हैं, नाश्ता, गुपचुप, एग रोल। वाओ सोना, थैंक यू बेटू। इधर थी, ओके। अब पापा को? नहीं, पापा को नहीं देंगे। रुको रुको, आंदो पापा को आंदो। ये मेरे दो भतीजे की भांजे, क्या बोलेंगे? भाई के बच्चों को क्या बोलते, भतीजे? हाँ, तो ये है मेरे दोनों बदमाश भतीजे, जो अभी थोड़ा सा कंट्रोल में, ये तो पूरी मम्मी में गया अपनी। पूरा सकल वकल सब। इधर दिखा तेरा सकल। हाँ, तू थोड़ा थोड़ा पापा में गया। हरकत बुआ में गई। चलो तो आप क्या ब्लॉग में आना था ना, आईफोन अभी तक गिफ्ट ही नहीं किया भाई, तू राखी का कहो मैं क्या कर। आईफोन अपना जीजा को दे दिया बूट का वो हेडफोन, और हम क्या बिगाड़े, हर राखी हम बांधे हर साल, और हमारा हर साल पेंडिंग में जाता। गाइस देखो इनको ध्यान से, ये लखपति आदमी हर साल मेरा राखी का अमाउंट पेंडिंग रखते। हाँ कुछ नहीं होता भैया है। सो यहाँ मैं प्याज तल रही हूँ बिरयानी के लिए नेक्स्ट डे, क्योंकि आने वाले रिजवान और सबाना मेरे ईद के कपड़े देने के लिए, और ऐसे भी बहुत टाइम हो गया वो लोग नहीं आए थे, इसलिए तो उनकी छोटी सी दावत थी जिसमें मैं बाबू के लिए वेज में बना रही थी चुचुटिया, यहाँ पे चुचुटिया बोलते हैं गवार फली को, एंड यहाँ बन गई थी दाल, और बिरयानी मैं बनाने वाली थी, और बिरयानी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया खाते हुए क्योंकि सबाना कंफर्टेबल नहीं होती है कैमरे के आगे, और यहाँ बना लिया मैंने एक्स्ट्रा फ्राई राइस बघारा चावल बाबू के लिए, एंड क्योंकि सबाना जाने वाली है दिल्ली शादी में, और अभी चल रही है सगाई की तैयारी रिजवान के बड़े भाई की, सो इसी सिलसिले में आई हुई थी। सो ये मैंने जो बिरयानी बनाई थी काफ़ी यमी बना था, खाते हुए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया ना, रिव्यू नहीं ले पाए उस, और खाने के बाद थोड़ी देर में ही जाने का टाइम हो गया था ये लोगों का। सो दिन भर हमने काफ़ी मस्ती की, चलो बाय बाय, ये लोग जा रहे हैं अब। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, क्योंकि आपने पिछले व्लॉग में भी देखा होगा उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही, तो हम उनको लेकर के गए थे हॉस्पिटल, कुछ चेकअप थे और कुछ रिपोर्ट्स लेनी थी, सो और डॉक्टर से बात भी करना था। मम्मी पापा थोड़ा ठीक से बात नहीं कर पाते डॉक्टर लोग से, क्या पूछना है क्या चेक करवाना है, तो इसलिए मैं भी गई हुई थी, यहाँ काफ़ी भीड़ थी, और फाइनली मम्मी का रिपोर्ट आया, सब कुछ नॉर्मल है, और जो भी चीज़ें ऊपर नीचे हैं उसके लिए डॉक्टर ने दवाइयाँ दे दी हैं, तो जल्द से जल्द मम्मी ठीक हो जाएंगी। हमारी चोटी, जब भी हम अपने मैके आते तो ये मेरी चाचा की लड़की फिजा जो हमेशा मेरी चोटी डालती है। इधर अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सो हमेशा मैं बताती हूँ, मेरी बहन डाली तो वो बहन यही है मेरी छोटी बहन फिजा, तो वही हमारी चोटी डालती है डिज़ाइन की। अभी पार्लर का कोर्स कर रही है, जल्दी जल्द पार्लर वाली बन जाएगी। अंधेरा हो गया गाइस, एकदम मौसम बारिश, गर्मी है लगी नहीं रहा, क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है, एक नंबर। देखो मौसम कुछ ऐसा है, पानी गिर रहा है,
और बहुत ज़्यादा अंधेरा छा गया है, जबकि अभी शाम के 5 बज रहे। नेक्स्ट डे मैं सबाना के साथ गई थी मार्केट, क्योंकि बहुत सारी छोटी मोटी बच्चों की खुद की शॉपिंग करनी थी, क्योंकि रिजवान के सबसे बड़े वाले भाई की सगाई थी और जिसके लिए हम लोग आए हुए थे मार्केट। और यहाँ सबाना कर रही शॉपिंग और मैं वीडियो बनाते हुए। फिर आया सरप्राइज की बारी, क्योंकि अचानक से आ गए गांव से तृप्ति, राजा, राजा की बहन सीमा, सारे लोग छुट्टी मनाने के लिए आए सरप्राइज में, छुट्टी मनाने के लिए। और अभी मुनी धुला है मेकअप नहीं है इसलिए नहीं आ रहे सब। चलो उठो उठो, 8:30 हो गए, चलो उठो। गुड मॉर्निंग। यहाँ बन रहा है पुलाव, बिरयानी राइस, और क्योंकि तृप्ति शाकाहारी है तो पनीर और मटर तैयार हो चुका है। सबके लिए गर्मी में ठंडा ठंडे पानी टाइम पे मिल सके इसलिए पानी भरा जा रहा है। राजा बिना नहाए अपने आप को छुपाते हुए। अभी कितना बज रहा है, कितना बज रहा है? अरे कहना क्या चाहते हो? कितना बज रहा है? 12:30 बज रहा है और अभी तक ये देखो ये लोग बिना नहाए। यहाँ सोना मूवी देख रही है, यहाँ दोनों मोबाइल में घुसे हुए। वापिस करो। क्या करी? हाय गाइस करी ना सीमा। मैंने कैमरा ऑफ मतलब बंद कर दी थी, वैसे इसका हाय गाइस आया। ये लोग आए और मेरा मस्ती मोड ऑन हो गया है। यहाँ राजा के साथ मस्ती करते हुए तेरी ऐसी की तैसी। देखो ये कैसे भगता कैमरे से कि कोई लड़की देख के पसंद ना कर ले और हम लोग इसका शादी ना करा दे। गांव में 8 बजे उठने वाले, यहाँ 12 बजे उठ रहे थे, इसके लिए लोग शर्मा रहे कि हम लोग 12 बजे उठ रहे हैं। यहाँ टाइम का कुछ पता नहीं चल रहा है, दिन भर मूवीज देख रहे हैं, खाना खा रहे, सो रहे, घूम रहे, बस सब दिखेगा। तो अभी हम लोग सब कोई जा रहे हैं घूमने चौपाटी, और राजा की गाड़ी में फर्स्ट टाइम हम लोग बैठे हैं। यहाँ रायपुर में घूमने आए तो अभी चलते हैं। सो यहाँ वीडियो बनाते बनाते मैं सेल्फी भी ले रही थी, लोगों को लगा मैं सेल्फी ले रही तो पोज दे रहे थे, और मैं साथ ही साथ अपना ब्लॉग भी शूट कर रही थी। इधर आए, इधर आए, ले ले। है पिज्जा का वेट, पिज्जा वाले भी यहाँ पिज्जा बना रहे हैं। एंड यहाँ इस जगह पे सारे लोग जींस टॉप पे आते हैं, हम लोग आए हैं सूट सलवार पे, क्योंकि हमारा चैनल है अतरंगी तो हम इसमें कुछ अतरंगी कर रहे हैं। आधे आधे कपड़े तो हमेशा पहन लेते हैं, आज पूरे पूरे कपड़ों में। हाय सीमा रानी, कैसा लग रहा है आके आपको यहाँ पे? और आपको तृप्ति जी? ठीक है, तो भगवान को बोलिए थोड़ा पंखा चलाए तो पेड़ पौधे हिले तो आपको हवा लगे। गांव अच्छा है कि यहाँ? गांव अच्छा है। और घूमने के लिए? घूमने के लिए यहाँ अच्छा है। और रहने के लिए, सोने के लिए, रहने के लिए, हमेशा के लिए गांव अच्छा है। ठीक, तो ये इनका ओपिनियन था, आपका देखने वालों का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। तो सोना मजा आ रहा है? सोना आज अपना न्यू ड्रेस पे मजा आ रहा है? क्या खाओगे? सोच रही भैया, मेरा बेटू क्यूटी पाई। जल्दी बताओ ना भाई, वीडियो वाले वेट कर रहे हैं। पिज्जा आ रहा है, तो पिज्जा यहाँ पे हो रहा रेडी। मामा भांजे आ रहे टहलते हुए, लाइन मारते हुए। ये लोग यहाँ गए थे थोड़ा सा अच्छी अच्छी लड़की लोग को ताड़ने के लिए, राजा के लिए। वैसे भी हम लोग लड़की ढूंढ ही रहे तो राजा बोला यही देख लेता हूँ चौपाटी में कोई अच्छी मिल गई तो। मोबाइल चालू नहीं, लेकिन देखो एक्टिंग कैसे कर रहा है कि मोबाइल पे घुसा हूँ।
क्या स्मार्ट लग रहा है राजा माँ कसम, ग्रीन शर्ट एकदम चिकना लग रहा है। रखिए भैया और अपना मुंह बंद रखिए आप, ठीक है, बिल पे करके आइए। चलिए तृप्ति जी टूट पड़ो, चलो 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 टूट पड़ो, चलो आइए राजा जी। क्या देख रहे हैं आप, फ्लेवर पसंद? गर्मी, अरे रे राजा क्या है ना दिन भर एसी में रहता है गाइस, तो थोड़ा भी बाहर निकलता है ना तो उसको थोड़ा इचिंग पसीने की प्रॉब्लम हो जाती है। और दिन दिन भर अपनी गाड़ी में सोता है, अगर घर पे नहीं होता है ना तो गाड़ी का एसी चालू करके सोता है। बड़े लोग बड़े बड़ी बात क्या बोलो। खींचे जाओ खींचे जाओ। टेस्टी है सीमा भाई, टेस्टी है? सीमा जी, सीमा हैदर भी थी एक फेसबुक में बहुत फेमस। मधु जो देख के तेरे को, हम लोगों को जो गाली देने वाली है ना, मधु विवेक वीरेन भांजा हाँ टिशू नहीं दिया है, टिशू नहीं है, सॉरी। कैसे राजा, यम है यम? चला नहीं लगा कैसे, इतना झूठा है ना ये, कैमरे में झूठ बोलता है, अच्छा तो लगा इसको, तभी मुंह कुछ कुछ चल रहा है। तो राजा ने फर्स्ट टाइम पिज्जा ट्राई किया, यम को अभी पता चला। ये पिज्जा को नहीं खाता था, बोलता था टेस्टी नहीं होगा करके, आज इसने ट्राई किया मेरे बोलने। हेलो पूछो जल्दी से चैनल को दिखा दिखा दिखो, जल्दी से चैनल को फॉलो करो, लाइक करो और ऐसे ही हंसता खेलता हुआ चुलबुला ब्लॉग देखो। और हम लोग ऐसे आउटिंग में जहाँ लोग जीन्स टॉप पहन के आते हैं, हम लोग भी आते हैं, लेकिन आज हम लोग एकदम सती सावित्री आए। खत्म, दोनों ने खत्म कर डाले, हम लोग को तो कुछ मिला ही नहीं। अरे है गाइस मोमोज की, तो मोमोज यहाँ आ रहा है, यहाँ सोना ने ले लिया बलून। सोना मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, नहीं नहीं दे दो बलून। वाओ मोमोज चट, तीनों बहनें ऐसे खा रहे जैसे मोमोज मिलेगा इन दोबारा। इसको देखो वाव वाव है, बोल बोल के छपा ली पूरा गरम। सो यहाँ हम लोग अच्छा घूम रहे थे और बाबू का कॉल आया प्लांट से जहाँ वो काम करते, और किसी से हो रही थी काम को लेके बहस। खोल जल्दी बुरी सन, चलो 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 हम घर आ गए। तो गाइस हम हो गए रेडी क्योंकि हमारी भाभी की बहन का निकाह है, तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं, उसके बाद हमको जाने सगाई पे। पड़ोस वाली भाभी के यहाँ निकाह अटेंड करने के बाद शाम को था रिजवान के बड़े भाई का सगाई, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, जिसके लिए हम लोग शॉपिंग करने गए थे। सो यहाँ हम पहुँच गए रात को सगाई पे, यहाँ सोना मस्ती करते हुए, यहाँ मैं अपना लुक रिवील करते हुए, कैसे लग रही प्लीज कमेंट करके बताइएगा। एंड फिर एट होम हम हो गए फ्रेश, या तृप्ति खा रही है डोनट, और रोज की तरह राजा और राजा का मामा देख रहे हैं मूवी, और सीमा गई है वॉशरूम, अभी बन रहा है चाय, और चाय और डोनट खाएंगे, उसके बाद क्या बनाना है, कहाँ जाना है या क्या करना है वो आपको आगे पता चलेगा।
सो रिजवान के बड़े भाई की थी सगाई और यहाँ भाभी रहती है, उनकी बहन का था निकाह। तो कल मैं दोनों जगह गई हुई थी एंड बच्चे घर पे ही थे, खुद बना रहे, खुद खा रहे थे, पार्टी कर रहे हो लोग, कोई लेना देना नहीं है, धूप पे बाहर नहीं जाना है, एसी चालू करना है, सोना है, मूवी देखनी है बस। तो देखते हैं आज कुछ प्लान बनता है तो, या फिर उन लोगों का पेपर है तो शायद जाएंगे बोल रहे हैं, तो अगर कैंसिल हो सकता है तो वो देखते हैं और आगे आपको अपडेट करते हैं। पानी उधर आके कंफेस करके तू ही लियो, क्योंकि राजा का पेट खराब हो गया गाइस। सो पेपर का डेट है और इस वजह से शायद ये लोग आज जाने वाले थे, ये हमें कुछ कंफर्म नहीं था, तो मैंने सोचा क्या पता कि ये लोग चले जाए तो क्यों ना इन लोगों के साथ बहुत सारी मस्ती की जाए, ताकि ये लोग जाए तो भी याद करें। और यहाँ मैं लोगों को लग गई सताने और यहाँ हंसी नहीं रुक रही थी, मैं लोगों को गुदगुदा रही थी जो ये दोनों मुझे छोड़ के भागे रूम से। च्युइंगम, उसको बूमर बोलो, गुमर, बूमर, हाँ बूमर बोलो, एक बार बोलो फिर दिलाऊं, दिलाऊं, चलो चलो दुकान चलो, एक बार बोलो बूमर है, और खूबसूरत खूबसूरत बोलो, खूब सूरत बोलो, चलो फिर दिलाऊंगी, चलो सोना, खूबसूरत खूबसूरत, च्युइंगम च्युइंगम क्या और बूमर, अरे अरे पहले बोलो बूमर, बूमर क्या प्रॉब्लम है, कलेजे का टुकड़ा जा रहा है भाई, कहाँ है चश्मा, चश्मा नहीं पता आपको, पता है ये गूंगा नहीं है, बस मुंह पे गुटका होता है, राजा गूंगा है नहीं, मुंह में गुटका है, 5 रुपए वाला वेस्ट नहीं कर सकता उसका, इतना मस्ती की आज, जाने का टाइम आ गया इन लोग का, मत जाओ बोलने से भाव खा रहे हैं इन लोग, पेपर वेपर कुछ है नहीं, झूठ बोल बोल के भाग रहे हैं, ये है ना इसके वजह से, इसके वजह से है नहीं क्योंकि चार ही लोग का जाने को छमया, मत जाओ ना, देखो बिना नहाए धोए पूरा परिवार छोड़ने के लिए आए। तो गाड़ी के साथ राजा का एक भी व्लॉग नहीं था, तो ये है न्यू गाड़ी जो कि राजा ने ली है और इसी में ये लोग आए थे छुट्टी मनाने के लिए। सभी जा रहे हैं, धूप बहुत है गाइस, पैर मेरा जल रहा है, मैं नंगे पैर आ गई हूँ थोड़ा ज्यादा ही माया में, पापा, लेने के लिए कार भी ले सकता था गाइस, लेकिन दिस इज बिजनेस, बिजनेस करने के लिए गाड़ी लिया गया है, ताकि वहाँ पे क्या बोलते उसको, गाड़ी चलती है ना ट्रैवलिंग के लिए, इसे यूज कर सके इसलिए। सो राजा का दिमाग सिर्फ हीरो हीरोपंती में नहीं है, बिजनेस में भी है, राजा राजा है, राजा है, राजा है। ये तो सिटी में फर्स्ट टाइम चलाते हुए, चलिए बाय बाय, राजा बात तो कर दे नहीं तो लोग बोलेंगे इतना खड़ूस है तुम्हारा भांजा, उनको क्या पता 5 रुपए का गुटका मुंह में ये राजा गाइस गुटका खाता है, ये पुराने जमाने वाला राजा नहीं है। पहले रुक तो ले ले पहले। सो ये लोग फर्स्ट टाइम आए थे ऐसे छुट्टी
वगैरह मनाने के लिए, और कैसे हंसते खेलते 3 दिन गुजर गए पता ही नहीं चला। और जाते जाते मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि ये लोग जा रहे हैं। सो आगे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी के लिए बाय।